देश का सबसे बड़ा सवाल, रसोड़े में कौन था? दिव्या सज्जन, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। हजार रिपीटेड एपिसोड देखने के बाद लो और करो वायरल, रसोड़े में कौन था, बहुत क्रेविंग हो रही थी ना जानने की। लो ले आए अभी दूसरा सीजन, जानो आराम से। अब शायद रसोड़े में गहना ने कुकर गैस पर चढ़ा दिया होगा। अभी तक रसोड़े में राशि हुआ करती थी, लेकिन अब गहना भी रसोड़े में आ गई है। इनका बस चले तो भाई साहब पूरा खानदान रसोड़े में बसा ले अपना। तो एक स्वागत है आप सबका, तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सीरियल की दुनिया हमारे और आपके दुनिया की पैरोडी है। यहाँ वंडर वुमन की देसी वर्जन विश्वकन्या है और सुपरमैन का दूसरा वर्जन वालवीर है। अगर कुछ नहीं है तो वो है लॉजिक सेंसर आईक्यू। इनके आईएमडीबी रैंकिंग देख लो तो सड़क 2 की याद आ जाए, और इनके एपिसोड देख लो तो ये लोग इतने डाउन टू अर्थ है कि अपने वजन से ज्यादा सोना पहनते हैं, फिर भी घर में नौकरानी की जगह लाते बहू ही है। अगर कोई बंदा अमीर है तो वो होगा, ऐसा मैं नहीं, ये कह रहे हैं सीरियल वाले। सारे सीरियल वुमन एम्पावरमेंट से शुरू होकर खत्म होते हैं टॉर्चर पे। खत्म। भाई बिना बोले एक्टर बन गया और बहन बिना कॉन्सेप्ट के सीरियल प्रोड्यूसर। एक सीरियल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सास जो बुढ़ी ना हो, एक बहू जिसमें बुद्धि ना हो, एक हीरो जो अपना कटवाने में सक्षम हो एनी टाइम, और एक दादी जो चले जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और एक बड़ा सा घर जिसमें कि पूरा मोहल्ला रह सके, और थोड़े से पैसे। अगर ये सब आपके पास है तो आप भी सीरियल प्रोड्यूसर बन सकते हो। आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा, यू विल बी अनस्टॉपेबल। साइंस ने पूरे दुनिया की वाट लगाई होगी, पर साइंस की असली वाट तो इन सीरियल वालों ने लगाई है। इनके VFX भाई साहब, ऐसे VFX तो मेरे यहाँ का चंदू चाय वाला कर दे, पर क्या ही फायदा। इनके सीरियल के नाम, इच्छा प्यारी नागिन, या तो वो प्यारी है या फिर वो नागिन है, लेकिन नहीं, हमें तो प्यारी नागिन चाहिए। प्यारी तो छोड़ो, अगर ऐसी नागिन हो तो कौन न डसवाना चाहे। हमारे देश के युवा तो लाइन में लग के बोले, थोड़ा सा हमें भी डस दो, एक ही जात में भी। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अंकल चुन्नी दीजिए ना, बहुत ठंडी लग रही है। तुम ये लो। आपको भी थैंक यू। मुझे भी, और किसे? उनको। माँ बाप प्यार करते हैं इसीलिए बच्चे होते हैं, पर नहीं, यहाँ माँ बाप के बीच प्यार करवाना है इसीलिए बच्चे होते हैं। बवाल चीज है बे। You're not that dumb. तुम जाके रीजन बता सकती हो, और अगर नहीं भी बताओगी तो ऑफिशियल मेल तो जा ही रहा है उसके पास। रीजन ये है कि I hate disloyal wives. ये भाई साहब करे जा रहे हैं शादी करे जा रहे हैं, असलियत में भी और सीरियल में भी अलग ही लेवल है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम्हें? Oh my God, this is a miracle. इनकी हार्ट बीट जो बंद हो चुकी थी सडनली फिर से चालू हो गई। कितना प्यार है दोनों में, इतना भी नहीं होना चाहिए था। हर वो सौदा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा है और मुझे सुकून दे, मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। क्या हुआ, इतने सालों बाद देखकर बोलती बंद हो गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर गए हो? कभी इन दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत दिखा रहे हैं लोग, और कभी इतनी नफरत जितनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अबे क्या दिखाना चाह रहे हो, नफरत की मोहब्बत, डिसाइड कर लो एक बार में। इन्हें लगता है लोग कुछ भी सच मान लेंगे, और दुख की बात तो यह है लोग सही में ये सब सच मान लेते हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। लाल दुपट्टे के सलमान खान के बाद अगर लाल दुपट्टे का सही उपयोग किसी ने किया है तो वो है ये सीरियल वाले, क्योंकि जान जाए पर लाल दुपट्टा कतई ना जाए। ये है प्रेरणा, इस सीरियल की हीरोइन। ये अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा मिस कंफ्यूज है कि आप खुद ही देख लो। इन्होंने प्यार किया इनसे यानी अनुराग से, और इन्होंने शादी करी इनसे यानी मिस्टर बजाज से, लेकिन ये माँ अनुराग के बच्चे की है। पर शादी तो मिस्टर बजाज से की थी ना, बहुत कंफ्यूजन है यार। ये देखने के बाद मेरे दिमाग के जो बच्चे कुछ ब्रेन सेल्स थे ना, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली।
तो दोस्तों आइए आज मैं आपको मिसाइल लॉन्च करने का सही तरीका दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं संध्या गुंडों से लड़ रही है ताकि वो मिसाइल लॉन्च ना कर पाए। इतने में ही कुछ गुंडे हेलीकॉप्टर से आके मिसाइल लेके चले जाते हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर से क्यों जाग गए ना? चाइना पे हमला करने में काम आएगा मिसाइल लॉन्च करना, तो सीख ही लिया है अब। अरे आगे भी है, तो हमारी शेरनी अब हेलीकॉप्टर पे चढ़ रही है। हेलीकॉप्टर के अंदर लोग बैठे हैं हथियार के साथ, लेकिन हमारी शेरनी किसी से कम है क्या? वो अकेले ही सबको मार देगी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। हैरी पॉटर झाड़ू में उड़ता था, पर अपना हैरी पॉटर लाइट ये वाला अलग है। ये पेड़ों पे उड़ता है और खुद तो उड़ता ही उड़ता है, साथ में अपनी बंदी को भी उड़ाता है। स्टार्ट। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। ओ भाई मारो मुझे मारो। मार सकता आप खींच के ना। अपने भाई की बलि देकर मैं बन जाऊंगी एक ऐसी महाशक्ति जिससे ब्रह्मांड में कोई नहीं मार पाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। बहन मुंह से तुम आग उगल रही हो और नाखून इतने छोटे हैं कि इंसान को दो टुकड़ों में काट दो। अबे तुम्हें क्या जरूरत है शक्तिशाली बनने की? तुम्हारा हुलिया देख के वैसे ही आदमी तड़फड़ा के मर जाए। सही बात बोले हैं भैया। मैंने अप्पू के लिए लड़की ढूंढ ली है, शादी होगी और आज रात ही होगी। शादी शादी शादी, भाई साहब दुनिया खत्म हो जाएगी, बादल फट जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, जमीन फट के लोग दफन होने लगेंगे, उसमें हर तरफ राख ही राख होगा, लेकिन इनकी शादियां खत्म नहीं होंगी कभी। शादी कर लो पहले तुम। कंट्रोल उदय। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीरियल की दुनिया हमारे और आपके दुनिया के सीरियल की दुनिया हम विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अगर कोई बंदा अमीर है तो वो साइंस ने शांत। शादी शादी शादी, भाई साहब दुनिया खत्म हो जाएगी, बादल फट जाएंगे, ज्वालामुखी फट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। शादी शादी शादी, भाई साहब दुनिया खत्म हो जाएगी, बादल फट जाएंगे, बारिश होने। बहन मुंह से तुम आग उगल रही हो और ना। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको मिशन मिसाइल का सीरियल का नाम है प्यारी नागिन। नहीं अच्छा पैसे वीएफएक्स तो मेरे यहाँ का चंदू चाय वाला। तुम आ लो, तुम बोल लो सालो, तुम बोल लो।